दुनिया के अंदर जितने भी डेटा साइंटिस्ट हैं, जब भी वो अपने डेटा को गैदर करते हैं, रिव्यू करते हैं, एनालिसिस परफॉर्म करते हैं या अपने डेटा की बेस पे कोई कंक्लूजन निकालते हैं, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स का सीखना नहायत लाजमी है। तो हम उसी स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट में हमने हर वो चीज़ कवर की है जो डेटा साइंस के साथ हाईली कोरिलेटेड है। तो हम आज की वीडियो में हम बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ओके, सो हमारा टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज की वीडियो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट इज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू इंटरप्रेट विद एन एग्जांपल, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स। व्हाट इज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? अ नॉर्मल कर्व इज़ अ सिमेट्रिक बेल शेप कर्व। एनी रैंडम वेरिएबल हुज ग्राफ हैज दिस कैरेक्टरिस्टिक शेप इज सेड टू हैव अ नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसको बेल क्यों कहते हैं, ये सोचने की बात है। अब मैं आपके सामने एक ये डेटा ले आए हैं, ये एक ग्राफ है, बेसिकली नॉर्मल कर्व है। तो आप देखें इसकी शेप बेल से रिजेंबल करती है, इस वजह से इसको बेल शेप कर्व कहते हैं, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इसका नाम रखा हुआ है। तो अब आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल कर्व इज़ अ सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक किसे कहते हैं? अगर सिमेट्रिक कहते हैं अगर किसी चीज़ को आधा काट दिया जाए तो दोनों साइड से बराबर हो। मिसाल तौर पर मैं इस कर्व को मैं काटता हूँ यहाँ से, यहाँ पे देखें आप लेफ्ट और राइट साइड दोनों बिल्कुल बराबर होंगी, तो इसको सिमेट्रिक कहते हैं। तो इज अ सिमेट्रिक बेल कर्व शेप, नहीं नॉर्मल कर्व की दो इसने बातें बताई कि वो सिमेट्रिक भी हो और बेल शेप भी हो। और फिर ये एनी रैंडम वेरिएबल, यानी कोई भी वेरिएबल हो सकता है, हाइट का, वेट का, एज का, कोई भी, हुज ग्राफ हैज दिस कैरेक्टरिस्टिक शेप इज सेड टू हैव अ नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है ये। सपोज हम वही एग्जाम्पल लेते हैं कि हम सैम्पल की हाइट ले रहे हैं। अब इसके अंदर मुख्तलिफ लोग हैं, एवरेज हाइट के भी हैं, शॉर्ट हाइट के भी हैं, टॉल भी, मुख्तलिफ हाइट हैं। लेकिन अगर आप देखें ना डेटा को, तो जिनकी हाइट बहुत शॉर्ट है या बहुत टॉल है वो लेस लाइकली, उनकी प्रॉबिलिटी कम है आने की, लेकिन जो जिनकी हाइट एवरेज है तो वो मोर लाइकली आने के। तो यहाँ पे देखें ये एक नॉर्मल कर्व बन रहा है यहाँ पर बिल्कुल। अब इसी तरह आपके लिए मैं दो एग्जाम्पल्स और लेके आऊँ। एक हमारे पास देखिए ग्रीन कर्व है और एक ब्लू कर्व है। अगर आप इस ग्रीन कर्व को देखें तो ये ग्रीन कर्व में बेसिकली बेबीज़ का डेटा हमने डाला हुआ है, जबकि जो ब्लू कर्व है उसमें हमने एडल्ट्स का डेटा डाला हुआ है। अब आप अगर जो ग्रीन कर्व है बेबीज़ की हाइट का जो डेटा है, इसकी एवरेज है 20 और जबकि मेल्स की जो हाइट है उसकी एवरेज है 70। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप देखें, थोड़ा फोकस करें कि डेटा यहाँ पे शुरू हो रहा है तकरीबन 19 के करीब करीब और 21 पे ख़त्म हो रहा है और इसका एवरेज क्या 20, यानी ये अपने एवरेज से या मीन से या स्टैंडर्ड से बहुत ही कम डेविएट कर रहा है। जबकि यहाँ पे देखिए डेविएशन थोड़ी ज़्यादा है, ये 60 के करीब करीब भी जा रहा है और 80 के करीब करीब भी जा रहा है, इसका एवरेज 70 है। तो अब आप ये जैसा मैंने बता दिया, इसका मतलब ये इसमें डेविएशन थोड़ी ज़्यादा है। तो बेसिकली जो विड्थ होती है ये इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन बताती है कि आपके डेटा की स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, अब ये वैल्यू किस तरह आई है ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है कि ये कैलकुलेट कैसे हुआ है, लेकिन हमारे पास अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन ग्रीन वाले की 0.6 है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम डिविएशन हो रही है, जबकि आप इसकी देखें तो इसकी 4 है स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा डिविएट कर रही है वैल्यूज़। अब ये तो हमारा सेंटर पॉइंट एवरेज हमें बता देता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये बताता है कि 95% ऑफ द वैल्यूज फॉल अंडर ±2 स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका मतलब क्या है, अब ये मैं आपको समझाने लगा कि इस चीज़ का मतलब क्या है। अब हम सपोज करते हैं हमने ये ब्लू वाला कर्व जो है इसको ज़रा बड़ा करके यहाँ पर ले आए हैं, थोड़ा सा शेप में फ़र्क आ सकती है लेकिन मकसद यहाँ पर आपको समझाना है। तो आप यहाँ पर देखें, पहले यहाँ पर जो सिम्बल्स हैं उनको समझिए। जो म्यू का सिम्बल है ये मीन को शो कर रहा है, एवरेज को या मीन को, और ये जो सिग्मा का सिंबल है ये स्टैंडर्ड डिविएशन को शो कर रहा है। और हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन मेल्स एडल्ट्स की क्या थी, 4 थी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 68.26, वैसे आमतौर पे 68 कई जगह पे लिखा होता है, कहीं पे 68.26 लिखा होता है, इसमें मतलब परेशान होने की बात नहीं। यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में हमारा जो डेटा है वो 68.26% कवर हो जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि अपने मिड से 34% इस तरफ और 34% इस तरफ। अब इस बात का मतलब क्या है, मैं आपको ये बात समझाता हूँ। हमारे यहाँ पे जो मिड पॉइंट है वो या जो एवरेज है वो क्या है 70, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 4। अगर मैं +4 या -4 करूं तो क्या आएगा, +4 करूंगा तो 74 हो जाएगा, यानी मीन प्लस सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू है 4 तो 74 जाएगा। और यहाँ पे करूँगा 70 में -4 करूँगा तो क्या हो जाएगा 66। तो 66 से लेके 74 तक के जो हाइट्स हैं इंचेस की, उसमें हमारे पॉपुलेशन का 68% हिस्सा होना चाहिए, यानी क्या मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। अब दूसरी, ये बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है। दूसरी बात देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा म्यू प्लस 2 सिग्मा और यहाँ पे लिखा है म्यू माइनस 2 सिग्मा। तो इस बात का क्या मतलब है कि मीन में मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, तो यहाँ पे इस बात का ये मतलब हो गया कि जो मीन है वो हमारा 70 है और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं अपने सिग्मा को यानी स्टैंडर्ड डिविएशन को, तो क्या हो जाएगा 8। तो 70 माइनस 8 62, तो ये इसका मतलब है 62 और यहाँ पे मैं 8 ऐड कर दूंगा तो 78। तो ये कह रहा है कि 95% डेटा जो है वो आपका 62 से लेके 78 तक लाई करना चाहिए। तो अब हम वापस बैक स्लाइड पे जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो बता रहा है स्टैंडर्ड 95% ऑफ द वैल्यूज फॉल अंडर ±2 स्टैंडर्ड डिविएशन। ये बात अब आपको समझ आ गई क्यों ±2 स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि देखिए 2 स्टैंडर्ड डिविएशन तक ये 95% डेटा आपका कवर अप हो रहा है। इस जुमले का ये मतलब है बेसिकली। अब हम इसमें, अब ये मेरे ख्याल में आप लोगों को इस स्लाइड की समझ आ गई होगी। अगर अभी भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप काइंडली कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा, अब जिस तरह हमने बताया कि 95% डेटा है, तो इसकी याद रखें जो सबसे कम हिस्सा होता है उसको लोअर लिमिट कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा होता है उसको हम अपर लिमिट कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास वो बेबीज़ का डेटा है जो जिसका एवरेज 20 है और उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 0.6 है, ठीक है। हम बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो वही बात कि 95% वैल्यूज फॉल अंडर ±2 स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक हो गया। अब वो अपर लिमिट की बात जो मैंने आपको पीछे समझाई थी, यहाँ पर यहाँ पे ये एक लोअर लिमिट होती है, इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट भी कहते हैं। लोअर लिमिट होगी और ये अपर लिमिट होगी। तो अब हम वापस जाते हैं जहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखी। तो लोअर लिमिट हमारी किस तरह कैलकुलेट होगी, लोअर लिमिट हमारे पास कैलकुलेट होगी जब हमारे पास एवरेज -2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। तो एवरेज हमारी क्या है 20, तो हम इधर 20 लिख लेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या 0.6, वो हम यहाँ पे लिखें। तो हमारे पास लोअर लिमिट क्या आ गई 18.8 तकरीबन कोई यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसी तरह अपर लिमिट में सिर्फ प्लस ऐड करना है, तो ये 22.22। तो इस तरह हम अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बना सकते हैं। अगर हमें एवरेज का पता हो, स्टैंडर्ड डिविएशन का पता हो, तो हम आसानी से अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बना सकते हैं। यानी कि 95% ऑफ दी बेबी हाइट्स जो हैं वो इधर लाई करती हैं 18.8 से लेके 22.2 के दरमियान। अब हम यही एग्जांपल, अगर नहीं अभी भी समझ नहीं आई तो हम मेल्स के डेटा पर देखते हैं कि हमने मेल्स के डेटा का नॉर्मल कर्व कैसे बनाना है। हमारे पास एवरेज क्या हो 70 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 4, ये हमारे पास गिवन डेटा है। अब हम सबसे पहले लोअर और अपर लिमिट ढूंढेंगे अपने, क्योंकि 95% ऑफ द डेटा प्लस, हाँ बिल्कुल, ±2 स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉल करते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब हम अपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट, वही फार्मूला है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। 70 + 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, 70 - 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये 78 इंच और ये 62 इंच, यानी कि मिनिमम जो है ये यहाँ से 62 इंच से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम यानी कि 95% ऑफ द डेटा इसके दरम्यान में। 95% क्यों, क्योंकि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है कि 95% डेटा वहाँ पर आ रहा है। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो हमें 68% डेटा की ये बता देगा कि आपका 68% डेटा कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। तो ये वही बात कि 95% ऑफ द एडल्ट हाइट इधर लाई करेंगी। और ये अक्सर बुक्स में इसी जुमले को यूं करके लिखा होता है 70 ± 8, बस ये थोड़ा फैंसी करके लिखा होता है। इसका यही मतलब होता है कि पहले माइनस करके लोअर लिमिट निकालें फिर अपर लिमिट, इसका ये मतलब होता है। अब हमारे पास ये वही पुरानी बातें कि जो जहाँ पे कर्व नीचे जा रहा होता है बिल्कुल वो लेस लाइकली होता है, जहाँ पर ऊपर जा रहा होता है मोर लाइकली होता है। इसके लिए मोर लाइकली ये हो गया, इसके लिए मोर लाइकली ये वाली हाइट हो गई। अब यहाँ पर एक और बात है कि इस तरह जिस तरह हमने अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया एवरेज हाइट की, एवरेज हाइट के अलावा और भी बहुत बेशुमार एग्जाम्पल हो सकती हैं, जैसे एवरेज वेट हो सकता है, बहुत सारी हो सकती हैं, एवरेज एज हो सकती है, लाइक नंबर ऑफ एप्पल्स एक मार्केट में कितने पड़े, लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जाम्पल बहुत सारी हो सकती हैं। एवरेज हाइट हो गया, वेट हो गया, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती। अच्छा, अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अब भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो आप काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे कमेंट्स करें ताकि हमें पता चले कि आपको क्या इस इधर समझ नहीं आ रहा, क्या इधर प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू।